जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इंडियन मर्चेंट चैम्बर में हूं और मेरे साथ समीर सुमैया जी हैं जो कि एजुकेशन में भी काम करते हैं, ग्रीन एनर्जी में, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जानकार हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर ये बताइए कि जो ये बजट आया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिहाज से कैसे देखते हैं? मैं तो इसे अच्छा बजट समझता हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो इसमें उन्होंने जी हमारे जैसे प्रधानमंत्री की प्रणाम योजना उन्होंने घोषित की फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसमें आप पुरानी हमारी जो परंपराएं हैं उसको हमारे भविष्य के लिए किस तरह से हमारी जो मिट्टी है उसकी समृद्धि के कैसे बढ़ाने के लिए उस पर काफ़ी गौर किया गया है। उसके साथ साथ एक डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की भी बात की है, जैसे कि हमने आधार किया, UPI किया, ONDC कर रहे हैं और अब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल होगा। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर और वेयरहाउसिंग की भी शुरुआत करेंगे। तो आप ये दोनों चीज़ को मिलाएं तो एक देखेंगे कि एक हमारी जो परंपराएं की समृद्धि है और हमारा जो भविष्य है उसका समन्वय किया गया है और आगे के लिए बहुत अच्छा होगा। सर ग्रीन एनर्जी के लिहाज से इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ग्रीन एनर्जी पर भी काम करते हैं और एजुकेशन में भी काम करते हैं? ग्रीन एनर्जी में भी अगर आप देखें तो आज हमारा जो विश्व है वो एक जियोपॉलिटिक्स बोल रही है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी की तो बहुत सख्त जरूरत है। साथ साथ जो मौसम में बदलाव आ रहा है जो उसमें भी उसका भी मुकाबला करने की जरूरत है। तो ये देखें तो ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने CBG पर भी 5% मैंडेट लाने की जरूरत की 5% मैंडेट लाने की बात की है, जिस तरह से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में सरकार ने पहल उठाई थी CBG कर रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन पे भी बहुत सी ग्रीन हाइड्रोजन पे भी पहल करने की बात की है। तो अगर देश को आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर होना है, तो देश की जो समृद्धि है उस पे हमारी जो सूरज की है, मिट्टी है, इन सबको साथ में करके ग्रीन एनर्जी को आगे बढ़ावा देना है। इसके अलावा सर अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपका काफी बड़ा काम है एजुकेशन सेक्टर में, उसको कैसे देखते हैं एजुकेशन सेक्टर पे? सर एजुकेशन को उन्होंने नींव अगर आप देखें, बुनियाद देखें, तो उन्होंने पहले लाइब्रेरीज की बात की है, ग्रंथालयों की बात की है, नेशनल बुक ट्रस्ट को करेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी करेंगे, साथ साथ उन्होंने आगे एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल, यानी जो हमारे जो ऐसे वर्ग है जहाँ पे एजुकेशन पहुँचता नहीं है उस पर बढ़ावा जोर देना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने की बात की है। इंद्रजीत लौटूंगा, इंद्रजीत फिलहाल धन्यवाद, थैंक यू सो मच।